पास दिखाने भैया भाई। ये जो गाड़ी चल रही है इसका टायर देखो कितना गंदा वॉबल कर रहा है, अभी किस वजह से कर रहा है पता नहीं। हेलो एवरीवन, मतलब डे 5 और ही हमारा 5वां एपिसोड है हमारी ले लद्दाख एक्सपेडिशन का, और पीछे हमारे सारे दोस्त लोग रेडी हैं। आज हम जल्दी उठ गए थे तो मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा, तो मैंने बोला डायरेक्ट जब हम बाइक वाइक पैक करेंगे तो उसके बाद ही शूट करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या क्या काम वाम चल रहा है अपने भाई लोगों से और पूछते हैं उनके हाल चाल। तो सबसे पहले मिलते हैं अज़र भाई। अज़र भाई क्या कहना चाहोगे आज? कहना तो ये चाहेंगे कि हमारा ख्वाब था कि हम नुब्रा जाएंगे, लेकिन तुम जाना नहीं चाह रहे हो। हमारे ब्लॉगर भाई है ना, ये नुब्रा ही नहीं जा रहे। तो कुछ परिस्थितियों की वजह से हमें परिस्थितियाँ तुमने ऐसी खड़ी कर दी कि हम नुब्रा नहीं जा पाएंगे। तो आज पैंगोंग नेक्स्ट टाइम हमारा एक दोस्त रह गया है उसको लेके हम नुब्रा पूरा कवर करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे अगर आज पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ धोनी के धुरंधर थे तो उनकी थोड़ी सी सिचुएशन थोड़ा ऊपर नीचे होगी टाइम की कमी की वजह से, उनके चक्कर से हमें अपना प्लान को थोड़ा सा ऑल्टरनेट करना पड़ा। और हमारे अरबाज भाई कितनी रील्स बना ली आपने? रील का तो स्टॉक भरा पड़ा है भाई। तो भाई अरबाज भाई का इंस्टाग्राम का नेम आ रहा, वो फॉलो कर देना। और हमारे सब भाई हैं जितने, सबका इंस्टाग्राम का नेम आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो कहीं ना कहीं स्क्रीन में आ ही रहा होगा। और हमारे सागर भाई यहाँ लगे हुए हैं रबड़ वाली बंजी से लगे हुए हैं। और यहाँ ईथन भाई हेल्पिंग हैंड बन के लगे हुए हैं। और हमारी एक अपाची का ब्रेकडाउन हो गया था बट वो भी अभी डायग्नोज कर लिए, बस ज़्यादा था 5 मिनट और हम सब निकल लिए यहाँ से। और अभी फ्यूल अप कराना और अपना कुछ खाना पीना भी हल्का भूल, और उसके बाद मिलते सीधे बाइक पर। लेह टू पैंगोंग चलते हैं अभी। अपनी गाड़ी होगी सुपर लाइट, और अभी करते हैं कहीं पेट पूजा और अभी गाड़ी करना हमने फ्यूल अप। तो होटल से जस्ट निकले हैं, डॉलमा रेजिडेंस काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, नेम डिस्क्रिप्शन में और लिंक उनका आपको मिल जाएगा, फ़ोन नंबर। तो मस्ट विद दिस प्राइस, बिल्कुल वर्थ है, और मेरे को नहीं लगता इस प्राइस रेंज में अगर मिल पाएगा आपको इससे सस्ता और बढ़िया होटल। अज़र भाई इनके लिए ना थोड़े चौक पर रुक जाते, नहीं तो फिर तितर बितर हो जाएंगे। हमारे कुछ राइडर आ गए हैं पीछे। तो भाई ईथन और दीपक रह गए थे पीछे, तो उनको देखने के चक्कर से हमें 1 किलोमीटर आना पड़ा वापसी। इस समय पता चला भैया इंटरकॉम की इम्पोर्टेंस। हाँ नो सिग्नल है ऑलरेडी हमारे तो, और चलो पोस्ट पेड है तो, बट उन पर नहीं है किसी भी, तो कॉल करने का मिसकम्युनिकेशन हो ही जाती है। ये है हमारा पुराना लेह जो होता था पहले यहाँ पर, लद्दाख जुम्मा बाग लेह, और गलियाँ भी हैं बढ़िया करके। ये है ले सिटी, और फ्रंट कैमरे से भी देख रहे होंगे आप भाई ट्रैफिक है आज, ट्रक फंस रहे हैं, चलो हम भी फंस ना जाए।
टिबेटन मॉनेस्ट्री आप देखो, लेह से आगे सामने पहाड़। पास दिखाने भैया, फोन पे चलेगी भैया डिजिटल, ओरिजिनल दिखानी है डिजिटल, ठीक ठीक। दीपक मेरी भी दिखा दियो, आरसी और वो वॉलेट में ही है। मेरा वॉलेट देखो, आरसी और आधार कार्ड। तेरी आरसी कहाँ है? फोन पे है ना, फोन पे दिखा दे डिजिटल। ये किसके नाम पे है? डिजिटल दिखा दे। थैंक यू भैया। आरसी का हो गया इथन, हो गया तुम्हारा? दिखा दो ना आधार कार्ड। और वो तो यहाँ पे हम आरसी वारसी चेकिंग के लिए रुके थे। क्या कह रहे हो? भाई लोग, अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो, दिस इज़ द स्कूल आई गेस, और काफ़ी सुंदर है यार, बढ़िया है। और अगर आप लोग आ रहे हो तो मेक श्योर यार आपके डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियर बाइक वाइक के, क्योंकि कहीं भी चेकिंग होगी तो मे बी आपको आगे जाने ना दे और आपका ट्रिप बर्बाद हो जाए, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है स्पेशली। और अभी तो जा रहे हैं हम पैंगोंग लेक घूमे। भाइयों पैंगोंग के लिए मनाली ले हाईवे वापसी, करू तक, करू से फिर गाइज। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जा पाए खारदुमला, क्योंकि जो हमारे साथ जो एक व्हीकल था उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम था, तो वी ड्रॉप द प्लान टू द खारदुमला। अब हम यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट पैंगोंग लेक और आपको दिखाएंगे रास्ते का क्या व्यू है। अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा सा अपना डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखिए, वरना आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे चेक पोस्ट यहाँ पर होते हैं।
लेह का टूर ख़त्म होते हुए अभी बढ़ रहे हैं हम आगे, और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया जगह है नो डाउट। अगर आप आना चाहते हो तो भाई जल्दी प्लान बना लो आओ, और थोड़ा रोड ट्रिप ज़्यादा बेस्ट रहेगा एयरवे और बाकी वेज के मुताबिक की टू बाइक इज रिकमेंडेड मेरे हिसाब से, क्योंकि इट विल मेक यू फील अलाइव और एडवेंचरस रहता है, और आपको पता चलेगा वेयर यू कैन पुश योर लिमिट्स। भाई हर वेदर देखने के मिल गया, ठंडा गर्म सारे वेदर देख लिए, ऐसी रोड्स देखने के लिए जो कभी नहीं देखी। मींस यार जो ये जो जितनी भी दिखी देखी ना भाई, जन्नत कि नेचर इतना ब्यूटीफुल है, नेचर इज टू मच ब्यूटीफुल हियर। अच्छे लोग हैं, पीपल आर रियली वेरी फ्रेंडली, बिल्कुल मिले। मसूरी के भी कुछ बहुत लोग ऐसे मिले जो मसूरी इसको में पढ़ चुके हैं, टिबेटन स्पेशली लोग, और काफ़ी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब भी करा हमारे, तो काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं। खाना आपको हर तरह का मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि भाई टिबेटन एरिया है तो कि आपको यहाँ पे ऐसा खाना मिलना, कोई दिक्कत नहीं, सारा फूड मिलेगा आपको ए टू जेड। लोग अच्छे हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत फ्रेंडली नेचर, हेल्पफुल लोग बिल्कुल, दे विल ट्रीट यू लाइक देयर यू आर वन ऑफ देयर फैमिली मेम्बर। तो भाई ऐसे लोग हर जगह नहीं होते, हमारे पहाड़ी लोग भी अच्छे हैं। बाकी मैं और इथन सबसे आगे हैं, और हमको पहुंचना करूँ 11 बजे से पहले, अभी हो रहा है 10:49, वी ऑल ऑलरेडी क्लॉक 20+ किलोमीटर्स, लेट्स सी पहुंच पाते हैं यानी। तो भाई ये जो गाड़ी चल रही है इसका टायर देखो कितना गंदा वॉबल कर रहा है, अभी किस वजह से कर रहा है पता नहीं। राइड जा रहा है सीधा पैंगोंग, फिर जा रहा ले मना है, तो हम जाएंगे पैंगोंग, इट्स ओनली 113 किलोमीटर, तो वो जल्दी कवर अप हो जाएंगे वहाँ जाके बढ़िया घुमाते हैं। दिस इज़ द टिबेट जो भी बोलते हैं, सिविल घुमा लेते हैं, और हमने यहाँ कर दिया ऑर्डर खाने के लिए। बाकी हमारे भाई लोग आ रहे हैं, और दीपक भाई बैठ गए हैं अंदर रूम में, चाचा हमारे दीपक चाचा के लिए अकेले लग रही है बुक, इन केस ऑफ इमरजेंसी वी विल यूज़ दिस। अगेन वी हैव टॉप अप द बाइक, और हमने 8 लीटर ले लिया है, 8 16 लीटर और टू बाइक्स, और ऊपर देख सकते हैं प्लेन भी जा रहा है। बाकी इथन अगर यहाँ पे जो पेट्रोल का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 104 105, तो यहाँ तो डाल दो तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो भैया पास पास की, तो अभी हम निकल गए हैं पैंगोंग के लिए 12:30 बजे, अब देखो कब तक हम पहुँचेंगे पैंगोंग, उसके बाद बताते हैं आपको क्या है सीन। और साढ़े वो पहुँचे हैं, अब देखो 3 बजे से पहले पहले पहुँच जाएं बस। बाकी यहाँ चेक हो जाते हैं आपके जो ग्रीन पास बना था 600 रुपीज़ का, उसी का जगह चेक होता है वैसे तो यार, बनाना भी ठीक है ना, अगर पकड़ ले तो दिक्कत हो जाएगी उसके बिना। बाकी लोग पैंगोंग से वापसी आ रहे हैं और हम पैंगोंग से पैंगोंग जा रहे हैं, चलो जहाँ तक चलते हैं पहुँचते हैं। तब तक मज़ा लीजिए रोड का, भाई पैंगोंग का रास्ता ऐसा है सुनसान सा, कोई गाड़ियाँ नहीं कोई कुछ नहीं, पर वहाँ पे जाके एक्सट्रीम भीड़ होने वाली है आई नो। टाइम बाद ग्रीनरी दिख रही है तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है यह देख के,
क्या व्यू है यार। यहाँ से आधे बीच रास्ते में आपको थोड़ा ऑफ रोडिंग पैच मिलेगा क्योंकि रोड की कटिंग वटिंग चलती रहती है इधर। डेडलीस्ट रोड नॉट द डेडलीस्ट बट स्टिल वेरी रिस्की यू नो। देखो साइड में हमारे भाई लोग भी आ गए हैं पीछे पीछे। अच्छा खासा लेवल ऑफ रोडिंग का भी है। तो ये पैच थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वाला आ गया। भाई पूरी गाड़ी वाइब्रेट हो रही है ऐसा ऑफ रोडिंग है। पर ठीक है इतना भी हार्ड एंड टफ बोल नहीं सकते। होपफुली आगे रोड ठीक हो हमारी। चलो ठीक है इस पैच के बाद। ऐसा ऑफ रोडिंग में तो 50 की स्पीड भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। पुश करूं क्या, क्या बोलती पब्लिक? अब
पे भाई ने गाड़ी खड़ी कर दी है। क्या जाते हो रे भैया? ये हमारे भाई लोग आ रहे हैं ऑफरोडिंग करते हुए। ये हमारे इतन भाई की गाड़ी में ज़रा लोड ज़्यादा है अभी, क्योंकि पेट्रोल के जितने बेचारी कहने वो उन्हीं के पास है।